Place पे क्यों करते करते हो What do you do to feel आप करते हो आप कौन सी ताकि आपको रिलैक्स फील हो लेट्स सी अंपल आइडिया मैंने यहाँ पे टेरिस का आइडिया लिया है आप बैक यार्ड पार्क का बोल सकते हो ड्राइंग रूम का भी बोल ड्राइंग रूम का भी बहुत अच्छा आइडिया बनेगा क्योंकि आप ड्राइंग ड्रॉइंग रूम में बोल सकते हो इन द इवनिंग टाइम हम सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं जो मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी का काम करते हैं हम टीवी देखते हैं इकट्ठे खाना इकट्ठा खाते हैं हम ये बोल सकते हैं इसमें ओके लेट्स सी वेल हैविंग पीस ऑफ माइंड इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू स्टे फिट एज अ फिडल सो माइंड की रिलैक्सेशन भी जरूरी है ताकि हम हेल्दी रह सकें सो मैंडेटरी का मतलब जरूरी फिट एज अ फिडल इज़ अ एंड ईडियम विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब हेल्दी ऑल्दो आई लाइक एवरी नुक एंड कोर्नर ऑफ माई अबोर्ड ओके नुक एंड कॉर्नर भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि हर जगह ठीक है और अबोर्ड का मतलब होता है घर सो so, मेरे को अपने घर का हर कोना पसंद है बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर एरिया वेयर आई फील एट ईज एट ईज़ का मतलब रिलैक्स ठीक है कि मैं यहाँ उस पर्टिकुलर एरिया की बात करना चाहूँगा जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील होता है इट इज़ नन अदर देन द टेरेस ऑफ माई प्लेस कि ये मेरी प्लेस के टेरिस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आई गो देर ट्वाइस अ डे मैं वहाँ दो बार जाता हूँ वंस इन द मॉर्निंग टाइम एक बार सुबह और एंड इन द इवनिंग टाइम और एक बार इवनिंग में I feel relaxed there for a variety of reasons. मुझे वहाँ relax feel होता है उसके बहुत सारे reasons हैं The prominent one, prominent one means the most important is that at the top of my house, मेरे घर की terrace पे the air is so fresh. Air बहुत fresh होती है which allows me to inhale fresh air. जिसके कारण मैं ताजी हवाई ने हेल कर सकता हूँ वाई लिसनिंग टू द बर्ड्स चर्प और जब मैं फ्रेश एयर हेल कर रहा हूँ साथ साथ में मैं बर्ड्स की चर्पिंग भी सुन रहा हूँ ठीक है सो द नेक्स्ट मोर ओवर फ्रॉम माई रूफ टॉप और इसके अलावा और इसके अलावा मेरे रूफ रूफ टॉप से आई कैन सी द ब्यूटी ऑफ माई टाउन मैं अपने टाउन की ब्यूटी को भी बहुत आराम से इंजॉय कर सकता हूँ विच लेट्स मी टू इंजॉय अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ब्रेथ टेकिंग मींस का मतलब होता है ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है वंडरफुल ठीक है जिसके कारण क्या मैं अपने टाउन की ब्यूटी भी देख सकता हूँ और बहुत वंडरफुल व्यू भी देख सकते हो आप यहाँ पे इवनिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो इन द इवनिंग टाइम फॉर माई रूफ टाउ असाइड फ्राम दीज इन के अलावा जैसे हम बोलते हैं अपार्ट फ्राम दीज ऐसे ही हम बोलते हैं असाइड फ्राम दीज आई हैव प्लांटेड मैनी प्लांट्स मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं दे आर सो द इन्वायरमेंट इज सो प्लीजेंट एंड काम तो जो मेरा टैरिस वाला इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट और काम होता है प्लीजेंट का मतलब सुहावना कि वहाँ पे मेरे को हरियाली हरियाली लगती है एंड काम काम मतलब शांत ड्यूरिंग दीज टाइम्स मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आई इमेजिन माई सेल्फ मैं अपने आप को इन द लैप ऑफ नेचर फील आई मैज मैं अपने, मैं सोचता हूँ कि मैं लैप ऑफ नेचर में हूँ इफ़ आई टॉक अबाउट एक्टिविटीज़ अगर मैं एक्टिविटीज़ की बात करूँ आई डू सो मैनी मैं बहुत सारी करता हूँ वेर इट कम्स टू द मॉर्निंग अगर मैं मॉर्निंग टाइम की बात करूँ आई डू सम एक्सरसाइजेज देयर मैं वहाँ बहुत सारी एक्सरसाइजेस करता हूँ विद माई बोजम फ्रेंड मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ दैट नॉट ओनली कि इस एक्सरसाइज करने की वजह से दैट नाट ओनली हेल्प मी टू स्टे रिलैक्स ये सिर्फ मेरे को रिलैक्स फील करवाने में ही नहीं हेल्प करते बट ऑल्सो कीप मी एक्टिव द होल डे मेरे को पूरा दिन एक्टिव रखते हैं दे कि दीज एक्सरसाइजेस कीप मी एक्टिव द एंटायर डे ऑन द अदर हैंड और दूसरी साइड इन द इवनिंग्स और इवनिंग्स में मैं क्या करता हूँ माई एंटायर नेबरहुड गैदर्स ऑन द टेरिस जो मेरा जितना भी पड़ोस है वो सब सभी क्या है टेरिस पर इकट्ठे हो जाते हैं क्यों टू डू सम मेडिटेशन कुछ मेडिटेशन करने के लिए विच हेल्प्स मी टू रिड्यूज़ स्ट्रेस जिससे मेरा रिड्यूज भी होता है स्ट्रेस एज वेल एज फील रीजुविनेटेड रिजुविनेटेड मीन्स रिफ्रेश जिससे मेरे को रिफ्रेश भी फील होता है फाइनली बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स तो मैं लास्ट में ये कहूँगा कि इन सभी फैक्टर्स की वजह से आई कंसिडर दिस एरिया ऑफ माई होम कि मेरे घर का जो ये वाला एरिया मैंने एक्सप्लेन किया है मैं इसको मानता हूँ टू बी द आइडियल आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट स्पॉर्ट मीन्स प्लेस टू अनवाइंड अनवाइंड मतलब रिलैक्स होना तो मैं इस एरिए को मानता हूँ कि ये मेरे लिए बिल्कुल सबसे परफेक्ट प्लेस है जहाँ मैं रिलैक्स फील कर सकता हूँ ओके दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो इफ यू हैवेंट फॉलोड मी ऑन टेलीग्राम देन लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग